हमें आज संकल्प लेना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के बहाने, इस घटना के बहाने, चाइना की इस कृति के बहाने हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा कि इस देश में कभी भी हम किसी भी भगवान की मूर्ति, विदेश में बनी हुई मूर्ति नहीं लेंगे। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। मैं गायत्री बोल रही हूँ दिल्ली से। बोलिए। ये सरकार दोनों गालों पर थप्पड़ खाने वाली है। ये सरकार कमजोर नहीं है, ये सरकार दोनों गालों पर जूते भी खा सकती है। जूते खाने के बाद कहेगी कि हमने तो चाइना को कूटनीति से हरा दिया, टुकड़े टुकड़े करके चाइना को सारी जमीन दे देगी। जय हिंद। देखिए देश के लोगों की सरकार के प्रति क्या राय है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ सुरेश जी, मेरा नाम प्रतीक बुद्धदेव है, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। बोलिए। अच्छा सुरेश जी, ये कांग्रेस के इतने सारे भ्रष्टाचार है, इस बात की क्या गारंटी है कि 19 किलोमीटर की सीमा बेच नहीं दी चाइना को? ये भी हो सकता है क्योंकि ये कांग्रेस के हाथ में अभी कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। चीन में अभी 9 तारीख को विदेश मंत्री जा रहे हैं, तो अभी इतना दिन क्या करेंगे? हमारे देश में अभी ये लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे भी ढक रहे हैं इस बात से। अभी आज कश्मीर में भी आतंकियों ने हमला किया हमारे पुलिस जवानों पे, ये खबर भी अभी आ रही है। धन्यवाद। जब हवा में स्पेक्ट्रम को बेच दिया उसमें करप्शन हुआ, जब जमीन के नीचे कोयले को बेच दिया उसमें करप्शन हुआ, जब जमीन के नीचे गैस की खदानों को बेच दिया, हमारे यहाँ पर जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर और हवा में, आकाश पाताल और भूमि, सब जगह पर जब करप्शन है तो सीमा पर भी करप्शन नहीं है क्या? ये सवाल तब और ज्यादा मजबूत होता है जब सरकार उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने के बजाय चुप बैठती है। क्या कहना है आपका? आप अपनी राय दे सकते हैं। और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन मैं आपको एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ और मसला कॉल के बीच में बताना चाहूंगा कि भारत में जो टेलीकॉम इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, खास करके वायरलेस इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जिससे आपके हमारे मोबाइल फोन चलते हैं, इंटरनेट कनेक्शन चलते हैं, ये चाइनीज प्रोडक्शन नहीं लेना चाहिए। यह भारत सरकार का एक निर्णय है। यह निर्णय सारी कंपनियों को दिया गया है और उनसे अंडरस्टैंडिंग ली गई है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां तो छोड़िए, भारत सरकार की बीएसएनएल ने ऐसे इक्विपमेंट लिए, वो इंस्टॉल किए, वो चल रहे हैं, जो चाइना से प्रतिबंधित होने के बावजूद भी लगाए गए हैं। ये वो सारे प्रोडक्ट है जो आपके कॉल के डिटेल को चाइना को मुहैया कराते हैं। आप आपके बीबी के साथ बात कर रहे हैं या कोई व्यावसायिक बात भी कर रहे हैं, या भारत का कोई मंत्री भी कोई कॉन्फिडेंशियल बात अपने सैनिकों के साथ या सचिवों के साथ या पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा होगा, तो चाइना ये अपने यहां ट्रैक कर सकता है। और यही बात हमारे देश के दुश्मनों को, आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को मुहैया कराई जाती है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित होती है। अगले कॉलर। हाँ बोलो। नमस्कार, बोलिए। हाँ हेलो, क्या कहेंगे? हाँ जयंत सर, मैं बोल रहा हूँ कि सलमान खुर्शीद 9 तारीख को जो जापान जा रहे हैं, हाँ चीन, बोलिए बोलिए आप। हाँ सलमान खुर्शीद 9 तारीख को जो चाइना जा रहे हैं, क्या वो हाथ पैर जोड़ के माफी मांगने के लिए? बिल्कुल, ये यही सवाल का जवाब सलमान खुर्शीद को देना होगा। धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि अपनी बात को आप लगातार रखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि चीन को सबक सिखाना चाहिए। क्या है आपका इस विषय पर कहना? आप कॉल कर अपनी बात को रख सकते हैं। चलते हैं अगले कॉलर के पास। राजीव भाई कर। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। इन्होंने मनमोहन जी को बिठाया हुआ है कुर्सी पर, प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है। इनको दरबार साहब को भेजो कि फाड़ फूट करे, अपना अगला सुधार करे। इनको चाहिए मोदी को बिठाओ, अपना देश बचाओ, ये तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। इनको दिस नहीं रहा कि चीन कहां पर आकर बैठ गया इनके सिर पर। धन्यवाद। मनमोहन जी, आपको शायद महिलाओं की बात ज्यादा जल्दी समझ में आती होगी, तो हमारी इस कॉलर भगिनी की बात को समझ लीजिए, आपको क्या संदेश दे रही है। अगले कॉलर। जी सर, मैं लंदन से बोल रहा हूँ, पंकज कुमार। बोलिए बोलिए। तो ये करने चाहिए कि बार बार ये
जो जवाब दे रहे हैं चाइना वाले कि हम अपनी जमीन में ही है, ये इनको दिखता नहीं है कि किसकी जमीन है, और ये भारत सरकार क्या कर रही है, इनको दिखता नहीं है, इनको कुछ करना चाहिए। जैन सर, धन्यवाद। अगले कॉलर, हेलो, नमस्कार, हाय सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, चीन के तो क्या है, ये सरकार अमेरिका के आगे गिर भी रख चुके हैं इस देश को 40 साल के लिए सीटीबीटी हाँ के मामले में, इसलिए ये अमेरिका के कहने के बगैर 1 इंच भी नहीं हिल सकती है सरकार। सलमान खुर्शी इसलिए जा रहे हैं, अमेरिका ने परमिशन दी होगी कि चाइना के विदेश मंत्री आने से पहले तू वापस जाओ। जिस अमेरिका ने हमारे देश को 1971 में जो है पाकिस्तान के बैठला में जो बांग्लादेश जो बना है उसमें जो है 2 बम लेके जो है स्मृति उसमें आ गया था बंगाल की खाड़ी में, इस भारत ने हमारी सरकार ने जो है उस टाइम भी यही सरकार थी उस दोस्त को खो दिया है। हमारी जितने दोस्त है सब जो है कुछ चीन की तरफ जा रहे हैं आज, और रूस जो है चीन की तरफ जा रहा है, और जो दूसरे पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं जब तक उसने आज तक पाकिस्तान को हथियार नहीं दिए थे, लेकिन इसने आज ये करने के बाद में जब ये दूसरे देशों से दोस्ती तोड़ के दुश्मनी करे, हमारे दोस्त अच्छा दोस्त रूस था वो भी टूट के गया और चीन को जो है पूरा सपोर्ट कर रहा हो गया है, इसलिए ये अमेरिका के आगे घुटने टेका, उसके बिना 1 इंच नहीं हिल सकता है, और 40 साल के लिए गिरवी रख दिया है इस देश को इन्होंने। धन्यवाद। हमारे देश में विदेशों की जो हस्तक्षेप है वो इतने बड़े पैमाने पर है कि भारत की विदेश नीति दूसरे देश तय करते हैं। भारत का अर्थमंत्री कौन हो, यहाँ का रक्षा मंत्री कौन हो, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन हो, ये तय करने के भी आरोप अमेरिका के ऊपर लगते हैं। और हालांकि अमेरिका और चाइना की दुश्मनी है, लेकिन कई बातों पर चाइना अमेरिका को भी झुका चुका है, और शायद हो सकता है कि किसी त्रुटि के अंदर उन्होंने चीन चाइना ने अमेरिका को मना लिया हो कि भारत में फलाने विषय पर जब हम घुसपैठ करेंगे तो आप भारत का साथ नहीं देंगे, उल्टा आप उसके रसूख का उपयोग चीन के खिलाफ भारत को रोकने के लिए करेंगे, ये भी हो सकता है। ऐसे आरोप भी लगना कोई नई बात नहीं हो सकती है। चीन की भारत में जो कार्रवाइयाँ होती है उनमें, और कुछ कार्रवाइयों का उल्लेख यहाँ पर अगर करें तो भारत में जो चॉकलेट आते हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग खाते हैं, जिसमें 1 रुपए में 4 चॉकलेट मिलने से लेकर 200 200 300 300 रुपए तक के जो चॉकलेट है, इन चॉकलेट में ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जिससे नपुंसकता हो सकती है। भारत में लोग उसको खाने वाला नपुंसक हो सकता है, उसके आने वाली अगली पीढ़ी भी नपुंसक हो सकती है, ऐसा उसमें केमिकल है, उसमें इस तरीके की रसायन डाले हुए हैं कि जिसके द्वारा भारत के एक पीढ़ी को ही पूरी तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन पैसों को देखकर हम उन चीज़ों को खरीदते हैं और सस्ते दामों पर मिलने वाली ये चीज़ें हमारे महंगे जीवन को खराब कर देती है। अगले कॉलर, नमस्कार जी, ठीक है, बोलिए, स्टार्ट, क्या कहेंगे? सर नमस्कार, सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये कहना चाह रहे हैं सर, जो ये जो हम बोल रहे हैं कि जो चाइना वाले जो हमारे इंडिया में 10 किलोमीटर अंदर जो घुस गए हैं, हमारी सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, और हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही, यानी कि कोई मसला नहीं। पाकिस्तान का थोड़ा सा मसला होता तो पूरा इंडिया यानी कि उसके लिए हंगामा खड़ा कर देता है कि ये है वो है। अभी चाइना घुस गया तो उसके लिए सब एकदम दिपकी साधे हुए हैं, यानी कोई किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, किसी भी नेता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। इसमें कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद। हमें के एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। चीन को भारत के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि अभी चीन ने भारत के बॉर्डर पे जिस तरह कब्जा किया है, आगे धीरे धीरे चल के वो ऐसा हो सकता है कि वो पूरे भारत पे कब्जा कर ले और एक तरह से भारत को हत्या ले। चीन के जो भारत में और भी कई कार्रवाइयाँ है, उन कार्यों में अगर हम बच्चों के लिए जो खिलौने मार्केट में आते हैं उन खिलौनों के ऊपर जिस प्रकार का कलर होता है या उसका जो प्लास्टिक होता है, जो उसका मटेरियल होता है, वो ऐसे दर्जे का बनाया जाता है कीमत कम करने के लिए और साथ में भारत में कुछ बीमारियाँ फैलाने के लिए। यहाँ पर आने वाले बच्चों के आँखें कमज़ोर हो, उनके हाथ में अगर वो जाता है या वो मुँह से भी उसको लगाते हैं तो उसके केमिकल के द्वारा उनको कैंसर तक की बीमारियाँ हो सकती है। ऐसे वैज्ञानिक रिपोर्ट भारत सरकार को मिलने के बावजूद भी ऐसी चेतावनी जारी करके सरकार चुप बैठती है, लेकिन उस माल को भारत में आने से रोक नहीं पाती है। अगले कॉलर, नमस्कार, नमस्कार
नमस्कार, मैं फरीदाबाद से राकेश जोशी बोल रहा हूँ। बोलिए सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जो विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद साहब, उन पे कुछ इल्जाम लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने बड़ा आक्रामक जवाब दिया था कि मुझे कलम से लिखने के लिए कहा गया लेकिन मैं लहू से भी लिख सकता हूँ। इतना खतरनाक बयान एक विदेश मंत्री, पढ़ा लिखा सो कॉल्ड बोला जाता है जिन्हें, और उन्होंने बोला लहू से, इस पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया उनके स्टेटमेंट पे, और आज जब लहू से खेलने की, लहू की बात करने की जरूरत आ रही है देश के लिए, तो उनकी बोलती बंद है, वो तो एकदम बिल्ली की तरह मिमिया रहे हैं बिल्कुल, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे चाइना प्लीज खाली कर दो हमारी जगह, क्यों नहीं हम 10-15 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस जाते और हम बोले जब तुम हमारी चौकी खाली करोगे, जब हम तुम्हारी चौकी ये खाली करेंगे, इस तरह के हमें भी आक्रामक कदम उठाने चाहिए, उनके व्यापार पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक हमारा नुकसान होता है उनके साथ व्यापार करते हैं, हम आयात ज्यादा करते हैं निर्यात कम करते हैं, इस तरह हमारे जो विदेश मंत्री है खासकर उन पे ध्यान देने की जरूरत है, ये बिल्कुल भी लायक नहीं है विदेश मंत्री होने के, और वैसे तो सारी सरकार ही निकम्मी है लेकिन इन पे विशेष ध्यान देना चाहिए बिल्कुल, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बिरयानी खिलाते हैं जो कि हमारे सैनिकों के सिर काट के। धन्यवाद, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर ने बड़ी अच्छी याद दिलाई है, सलमान खुर्शीद साहब देश भूलता नहीं है, अगर आपको लगता है कि जनता भूल जाती है तो बिल्कुल नहीं, लोग याद रखते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आंदोलनकारी आने के लिए आप उनको रोकने की बात करते हैं, वापस न जाने की धमकी देते हैं, और पेन में शाही डायकल डालकर लिखने के बजाय लहू से खून से लिखने की बात करते हैं, तो तब आपका जो शौर्य था, तब आपकी मर्दानगी थी, अब वो कहां गई जब भारत के लिए उसको उपयोग में लाने की बारी आई है, तो अब क्यों दुम दबाकर भाग रहे हैं, ये देश का सलमान खुर्शीद को सवाल है। आइए उपाय देखते हैं कि क्या हो सकता है। सरकार को ऐसे भारत विरोधी ताकतों को धाराशाही करना होगा और उसके लिए एक अलग उन्नत तकनीकी व्यवस्था को तैयार करना होगा। भारत को अपने सीमाओं पर चौकसी के साथ साथ मित्र राष्ट्रों के साथ साठगांठ को भी मजबूती प्रदान करनी होगी। इसके साथ साथ उत्पादन क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा। भारत अपनी सीमाओं पर निगरानी के लिए GPS सिस्टम लगाए, जिससे कि चीन को इस बात का प्रूफ दिया जा सके कि आपकी सेना का अतिक्रमण किया जा रहा है। इन सब के लिए भारत को सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है। इसके लिए जापान, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों से सीखना चाहिए। इन देशों ने सख्ती दिखाई तो चीन पीछे हट गया था। भारत को भी चाहिए कि दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करे और चीन जैसे देशों को सैन्य अभ्यास के बहाने मुंहतोड़ जवाब दे। सरकार को करारा जवाब देना होगा। तेल खनन के मुद्दे पर सरकार को बिना किसी समझौते के चीन को सख्त जवाब देना चाहिए। चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार सरकार और भारतीय बाजारों को करना होगा। ये मुद्दे के ऊपर आपने जो प्रतिक्रिया दी हमने आपके सामने रखी, लेकिन आज की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चाइना के खिलाफ, चाइना की कार्रवाई हमारे खिलाफ जितनी हुई है उसकी लिस्ट गिनाने में ही हमारे घंटों निकल जाएंगे, लेकिन हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। सरकार भले इसको छोड़ दे लेकिन हम इसको पकड़ के रखेंगे तब तक कि चाइना के सैनिक हमारे सीमा से बाहर जाते नहीं। उसका हथियार जैसे सरकार के पास है वैसे ही जनता के पास है, इसलिए बायकॉट चाइना का भी हमको नारा देना होगा, और इस विषय पर भी हम जल्दी ही आपके सामने, चाइना के ऊपर हम आर्थिक नाकेबंदी कैसे कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को कैसे रोक सकते हैं, और उनका यूज करने से हमको क्या नुकसान है, और उसका भारतीय ऑप्शन हमारे पास क्या उपलब्ध है, ऐसे सारे विषयों पर अगर हम काम करेंगे तो चाइना का हजारों लाखों करोड़ रुपए का माल जो भारत में आता है वो अगर रुक जाएगा तो ये एक कारण या एक नाक दबाने का तरीका चाइना का हो सकता है, जिससे कि उनका मुंह खुल सके। आप हम ये सब मिलकर ये प्रयास करते हैं कि इस विषय में हम कुछ काम कर सकें। हम देश के तमाम समाजसेवी संस्थाओं को, कार्यकर्ताओं को ये प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं कि हम जब बिंदास बोल का विषय डिक्लेयर करते हैं तो अगर आप उस विषय पर अपने काम करते हैं, आपके पास रिसर्च रिपोर्ट है तो आप हमको ज़रूर भेजिए, आपके आंकड़े, आपकी जानकारी हम इस कार्यक्रम में डालकर इसको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपको एक और आह्वान करना चाहते हैं कि आप जैसे कॉल करते हैं या स्काइप के द्वारा भी वीडियो कॉल करते हैं, इसमें कई बार समय की बर्बादी होती है, इससे भी अच्छा आसान तरीका हम आपको बताते हैं कि आप अपना वीडियो आपके वेबकैम के द्वारा आपके लैपटॉप पर, आपके मोबाइल पर रिकॉर्ड करिए और उसको 10 से 20 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करके हमको bindasbol@sudarshantv.com पर भेज दीजिए, या हमारा जो फेसबुक अकाउंट है facebook.com/sudarshan news, इस पर उसको अटैच कर दीजिए, हम ऐसे वीडियो को यहाँ पर दिखाएंगे।
ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया हम तक जो आएगी, हम देश और दुनिया के सामने आपकी